अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके? जी जनाब, तो आज हमें उर्दू की क्लास में, ठीक है जी। अच्छा, आज हम अपनी उर्दू की क्लास में क्या करने वाले हैं? आपको पता है ना, हम अभी किस चैप्टर पे काम कर रहे हैं? सबक नंबर एक पे। उस सबक का नाम क्या है? रब्बे रहीम। बिल्कुल ठीक, हमने इस सबक की बहुत सी मश्क मुकम्मल कर ली हैं। आज हम इसकी एक नई मश्क शुरू करेंगे जो आपकी किताब के सफा नंबर 6 पे मौजूद है। तो जल्दी से सबसे पहले तो आप अपनी बुक का सफा निकाल लीजिए। खोल लिया आप लोगों ने? शाबाश। अच्छा जी, यहां पे एक नई मश्क है आपके लिए। देखें वो क्या है, देखें जरा जल्दी से अपनी किताब में। इसमें क्या लिखा है? तख्लीकी लिखाई, तख्लीकी लिखाई, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें कहा क्या जा रहा है हमसे? इसमें कहा क्या जा रहा है कि नज़म लिखने के लिए हम आवाज अल्फाज का होना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ मौजू और नए अल्फाज भी बहुत अहम होते हैं। नीचे दिए गए अल्फाज में से अपनी पसंद के अल्फाज की मदद से 4 मिसरों की हमद लिखिए ताकि अल्लाह ताला आपसे खुश हों, और आप खुद भी नए अल्फाज बना सकते हैं। और यहां पे उन्होंने कोई अल्फाज भी दिए हैं हमें, तो हमें क्या करना है? हमें करना है कि हमें 4 मिसरों पर मुश्तमिल एक हमद लिखनी है। आपको पता है ना हमद क्या होती है? हमद किसे कहते हैं? हमद वो नज़म होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है। तो हमने यहां पे कि मजेदार सा काम करना है कि हमने खुद एक नज़म तख्लीक करनी है, ठीक है। तो अब बात यह है कि जब हम कोई चीज लिखने के लिए बैठते हैं, जैसे अब हमें यहां पे हमद लिखनी है, तो उस हमद को लिखने के लिए सबसे पहले हमें किन चीजों की जरूरत है? आप जब हमद लिखने बैठेंगे तो आपके पास क्या चीज होनी चाहिए जिसकी मदद से आप आसानी से हमद लिख सकें? जल्दी से सोचिए। बिल्कुल ठीक, हमारे पास अल्फाज का जखीरा होना बहुत जरूरी है। अगर अल्फाज का जखीरा होगा तभी तो हम उन अल्फाज की मदद से फिर बआसानी एक हमद लिख सकेंगे, अशार बना सकेंगे, मिसरे बना सकेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा यह है कि हमने अपने जहन से, अपने दिमाग से सोचते हुए कुछ अल्फाज इकट्ठा करने हैं, ठीक है। तो हमने क्या काम करना है? हमने हमद लिखनी है, और हमद के लिए सबसे पहले नए अल्फाज या कुछ अल्फाज का जखीरा हमने इकट्ठा करना है। तो चले इस पे अब काम करते हैं। यहां पे भी कुछ अल्फाज दिए गए हैं, है ना? अच्छा जी, तो अब हमने क्या करना है? आसान काम है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। आप करेंगे ना, एक दफा आपको समझ में आ जाएगा, इतना मजा आएगा, आप इससे हटके बहुत सी नज़में फिर लिख सकेंगे। सोचें, हम खुद एक नज़म, एक हम लिखने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है जी। तो चलें अब हम ये काम करते हैं कि ये हमने इकट्ठा कैसे करने हैं अल्फाज। इसके लिए हम एक खाका बनाते हैं, ठीक है ना, जिसमें हम सारे अल्फाज गैदर करेंगे। ये देखिए, यहां पर इस तरह से एक हमने एक चार्ट, एक वेब बना लिया है, जिसमें सबसे बीच में हमने क्या लिखा? हम, जो हमें काम करना है, यानी हमारे, हमने जो लिखना है उसका उन्वान ही हमद है। अब इस हमद के लिए हमने अल्फाज लेने हैं। तो चलें आप भी सोचिए, मैं भी सोचती हूं कि कौन कौन से अल्फाज हो सकते हैं। अच्छा, यहां देखें, मैंने ये लिया कि एक लफ्ज मैंने उठाया, सजाई, ठीक है। अब सजाई को सोचते हुए मैंने ये सोचा कि क्या चीज, किस चीज से सजाई? फूलों से सजाई। फूलों और सजाई, दो अल्फाज मैंने एक साथ निकाले, ठीक हो गया। आपने सबक में जो सवाल लिखा है वहां पे आपने सुना था कि जब भी हम कोई नज़म लिखते हैं तो उसके लिए हम आवाज अल्फाज का होना जरूरी है। तो अब हमने अगला लफ्ज ऐसा ढूंढना है जो पिछले लफ्ज का हम आवाज लफ्ज हो। हमने यहां पे निकाला फूलों और सजाई। अब सजाई को दिमाग में रखते हुए हम उसी के जैसा एक हम आवाज लफ्ज ढूंढते हैं। अब मेरे जहन में आया बनाई, बनाई सजाई, एक ही जैसे लफ्ज हैं, एक ही जैसी आवाज है ना। अब बनाई क्या चीज बनाई, क्या चीज बनाई? हां, दुनिया बनाई। तो मैंने ये दो लफ्ज साथ लिख लिए, दुनिया और बनाई, ठीक है। अच्छा, और अल्फाज सोचते हैं, और अल्फाज क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं हमद में? जहन में रखिएगा, हम आवाज अल्फाज का होना भी जरूरी है। अच्छा जी, फिर मेरे जहन में ऐसे ही एक लफ्ज आया, चमकाई, चमकाई।
अब चमकाई के साथ हम क्या लफ्ज दे सकते हैं? सूरज की रोशनी से चमकाई, तो सूरज लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास तीन अल्फाज आ गए हैं जो हम आवाज हैं, सजाई, बनाई, चमकाई। देखा कितना आसान है, तीनों एक ही आवाज, तीनों में एक ही आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, अब देखते हैं कि और कौन से अल्फाज हम इकट्ठा कर सकते हैं। भाई अपने भी जहन को इस्तेमाल कीजिए और आपके जहन में भी जो अल्फाज आ रहे हैं आप वो लिखते जाइए, ठीक है ना। अच्छा, और मेरे जहन में आया, अगर हम चमकाई को भी एक और दफा सोचें कि चमकाई के साथ और क्या लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है, तो रात। रात में भी तो कोई चीज चमकती है, तारे चमकते हैं भाई, तो रात के साथ चमकाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, और क्या चीज जहन में आती है इस तरह के और अल्फाज ढूंढें? और मेरे जहन में आया सच्चाई, सच्चाई, ठीक है ना, ये भी हम आवाज अल्फाज है, तो सच्चाई के साथ क्या चीज, किस चीज की सच्चाई? कुदरत की सच्चाई, कुदरत की सच्चाई, ये लफ्ज, ये बनता है आपस में, ये लिंक बनता है ना। तो हमारे पास सजाई, बनाई, चमकाई और सच्चाई, ये तमाम अल्फाज हम आवाज हो गए। अच्छा जी, अब और अल्फाज ढूंढने हैं, तो और हम देखते हैं हमारे पास आया दिखाई। दिखाई भी बिल्कुल पिछले अल्फाज के जैसे हम आवाज अल्फाज बन गया हमारे पास। क्या चीज दिखाई, ये भी तो सोचना है, किस चीज को सोच के हम कह रहे हैं दिखाई? शान दिखाई, शान दिखाई, है ना, ये बनता है साथ। अच्छा जी, और कोई लफ्ज सोचिए, और सोचें तो। अच्छा, एक लफ्ज और आया मुझे हम्द के जहन में रखते हुए, खुदाई, खुदाई, ठीक है। अब खुदाई के साथ कोई एक लफ्ज सोचें, क्या खुदाई, किस चीज में खुदाई? राह में खुदाई, ठीक है, राह और खुदाई, यहां ये दो लफ्ज हमने निकाल लिए, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने हम्द के चार अशार बनाने हैं, तो उनके लिए हमने क्या किया, हमने बहुत से अल्फाज यहां पे इकट्ठा कर लिए, ठीक है ना, ताकि हमें हम्द लिखने में आसानी हो। अब आपको क्या करना है, आपने ये काम करना है कि अपनी कॉपीज में इसी तरह का खाका एक बनाना है और उसे मुकम्मल करना है, इन सारे अल्फाज को लिखने की मशक भी करनी है, फिर आपकी टीचर आपका ये काम चेक भी करेंगी, आपकी कॉपीज को भी चेक करेंगी, और फिर आपका हो सकता है इमला भी ले लें भाई, तो इन अल्फाज की लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है। तो ये सारा काम मुकम्मल करके रखेंगे, फिर आपका ये काम आपकी टीचर इंशाल्लाह जरूर चेक करेंगी। अल्लाह हाफिज़।